हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर टेक्निक के बारे में। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था एडहॉक टेक्निक के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर टेक्निक के जो पॉइंट्स थे, जो प्रोसेस थे वो हम देखेंगे। जैसे पहला था हमारा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर है? ये टेस्ट पैटर्न जनरेटर। ये हमारा जो फर्स्ट था टेस्ट पैटर्न जनरेटर, हम इसके थ्रू क्या करेंगे, टेस्ट पैटर्न जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं। पहला है एग्जॉस्टिव टेक्निक, दूसरा है स्यूडो एग्जॉस्टिव टेक्निक, और दूसरा एक और है, ठीक है, स्यूडो रैंडम टेस्टिंग। ऐसे करके इसके चार टाइप्स हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला है ये वाला स्यूडो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें सर्किट गिवन होता है, हम जितने पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, है ना, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी फोर है, फोर इनपुट्स हैं, तो इसके जितने भी टेस्ट पैटर्न बनेंगे, जैसे 00000 से लेके 111 तक, ये सारे टेस्ट पैटर्न आपको इसमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। यानी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट प्रोवाइड सर्किट अंदर टेस्ट, मतलब कि सारे पॉसिबल इनपुट्स, यानी पॉसिबल जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं हमारे, जैसे कि 000 से लेके, है ना, यानी कि फोर इनपुट्स है, तो ये ए हो सकता है, बी सी एंड डी, ठीक है। तो 00 से लेके ये कहाँ तक जा सकते हैं, 1111, ठीक है। यानी 00 से लेके 111 तक ये आपके इनपुट्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस सारे इनपुट्स वेरिएशन को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फिर आउटपुट चेक करोगे, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, और पॉसिबल इनपुट्स जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको हम सर्किट अंडर टेस्ट में पास करें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अंदर और पॉसिबल इनपुट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, इसको मैं इतना रफ कर देता हूँ, जो हमारा ये वाला है, इसमें देखो सीधा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सर्किट होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना, हमारा उस सर्किट में एक एक गेट से आउटपुट जा रहा होगा, है ना, दो गेट से आउटपुट नहीं है, ओनली वन गेट से आउटपुट अगर जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हैं। कि कैसे कम करते हैं, उसको पार्टीशन करके। जैसे सर्किट काफी बड़ा है, जैसे कि ये सर्किट देखो, ये वाला सर्किट जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि इसका एक इनपुट इसमें गया है, इसका एक इनपुट इसमें गया है, नंबर ऑफ इनपुट्स के तीन है, इसके भी तीन है, ठीक है, टोटल सिक्स इनपुट्स है, और ये सर्किट लार्ज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ऐसे सर्किट्स को हम इसको बीच से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिडल से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर, ठीक है। अब इसको पार्टीशन करने के बाद क्या होगा, एक चीज का ध्यान, जहां से हमने पार्टीशन किया है वहीं से क्या लग जाएगा, एक और गेट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही क्या लग जाएगा, एक और गेट लग जाएगा ऐसे करके, और इसको हम इसके थ्रू एंड गेट के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा, कि हमने क्या किया, इस सर्किट को बीच से डिवाइड किया, तो देखो क्या होगा, और गेट आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे और गेट आ जाएगा, यहाँ पे और गेट आ गया, और गेट ही एक इनपुट इसी में जाएगी, एक इनपुट इसी में, और जो दूसरी वाली जो इनपुट होगी और गेट की, उसको हम ले लेंगे MC1, है ना, यानी इसको भी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी जैसे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारे पास दो सर्किट हो गए, एक ये अपर वाला सर्किट हो गया और इसके डाउनवर्ड वाला सर्किट हो गया, इसको हम हमने बोल दिया MC1, इसको बोल दिया हमने MC0, ठीक है। तो हमने पार्टीशन करके क्या किया, एक सर्किट को दो सर्किट को डिवाइड कर दिया, फिर हमने एक एक करके दोनों को चेक, जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक MC0 वाला पार्ट हो गया और एक MC1 वाला पार्ट हो गया, है ना, दोनों को और गेट से कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या होगा कि हमने जब दो पार्ट कर दिए इसके, तो ये हो गया MC1 वाला पार्ट और ये हो गया MC0 वाला पार्ट। अब इसकी वर्किंग क्या कहती है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आ गया MC1 वाला, और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, दोनों सर्किट हमारे अलग अलग हो। अब इसकी जो वर्किंग है वो एक ऐसी वर्किंग है, उसको ध्यान रखना, कि जब भी हमारा MC0 जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला MC0, जब भी ये जीरो होगा, ठीक है, तो और MC1
जब वन होगा तो उस समय जो पार्ट हमारा वर्क करेगा वो एम सी वन वाला पार्ट वर्क करेगा, है ना, एम सी वन वाला है, यानी हमारा जो सी वन वाला पार्ट होगा वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, किस केस में, जब एम सी जीरो होगा और एम सी वन होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है कि जब एम सी वन हमारा जीरो हो जाए, ठीक है, और एम सी जीरो हमारा वन हो जाए, तो इस कंडीशन में सी जीरो यानी एम सी जीरो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा, ठीक है, तो ये सी जीरो वाला पार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया, और जो एम सी वन वाला पार्ट है वो डिसेबल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इनेबल हो जाएगा, वो वाला पार्ट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने इस सीडो एक्सेप्टिव टेस्टिंग के अंदर क्या किया कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स में सर्किट अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसकी पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन करने के बाद एक को हम अलग नेम से डिटरमाइन करते हैं, दूसरे को हम अलग नेम से डिटरमाइन करते हैं, यानी इसकी जो एक गेट होती है उसकी एक पिन तो उसके आउटपुट से जाती है, लेकिन हम एक एक्सटर्नल इनपुट जोड़ते हैं, यानी हमें ये पता लग सके कि जो इस सर्किट का जो अलग से जो आपने पार्टीशन किया है उसके बारे में और एक इसके बारे में। तो ये एम सी वन वाली पिन हो गई जिसको हम कंट्रोल पिन भी कह सकते हैं, ये हमारी कंट्रोल पिन है इसके लिए, ये भी हमारी कंट्रोल पिन है इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड कर दिया हमने, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम सीडो एक्सेप्टिव टेस्टिंग के अंदर हम सर्किट को पार्टीशन करके उसको टेस्ट। अगला जो हमारा सीडो एक्सेप्टिव टेस्टिंग और वेरिफिकेशन वाला जो टेस्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।